डिग्री कॉलेज, विद्युत मंडल व वीडियो कार्यालय सहित डेढ़ दर्जन संस्थान खोलने की घोषणाओं के लिए किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद। रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र अथवा उपमंडल संगड़ा में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने एक दिन में किए 162 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास। सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं से भाजपा नेताओं के साथ साथ क्षेत्र के आम लोगों में भी भारी उत्साह। नौहराधार में लड्डू बांटकर बनाया गया महाविद्यालय की घोषणा का जश्न। रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र अथवा उपमंडल संगड़ाहा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई डिग्री कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन, बीडीओ ऑफिस, आईटीआई तथा विभिन्न शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणाओं के लिए क्षेत्र के भाजपा नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों व विभिन्न संगठनों ने सीएम और प्रदेश सरकार का आभार जताया। शनिवार कुरुक्षेत्र के नौहराधार तथा रेणुका जी में आयोजित जनसभाओं में मुख्यमंत्री द्वारा नौहराधार में डिग्री कॉलेज, संगड़ाहा में विद्युत मंडल कार्यालय तथा ददाहू में खंड विकास कार्यालय के साथ साथ इसी तहसील में 2 आईटीआई, हरिपुर धार में 33 केवी सब स्टेशन व बोग धार में सीएससी तथा आईटीआई में नए ट्रेड शुरू करने के साथ साथ क्षेत्र में डेढ़ दर्जन के करीब शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणाएं की गई। इलाके में पहली बार किसी मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन में करीब 162 करोड़ की 80 विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए, जबकि भाजपा नेता बलबीर चौहान द्वारा पढ़े गए मांग पत्र में से सीएम द्वारा सभी मांगे पूरी की गई। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से क्षेत्र के आम लोगों में उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को मुख्य बाजार में स्थानीय लोगों तथा व्यापारियों द्वारा लड्डू बांटकर करीब एक दशक पुरानी डिग्री कॉलेज खोले जाने की मांग पूरा होने का जश्न मनाया गया। इससे पहले नौराधार तहसील की 15 पंचायतों के छात्रों को जमा 2 के बाद की पढ़ाई करने के लिए संगड़ाहा, राजगढ़ अथवा हरिपुर धार आदि राजकीय महाविद्यालयों में जाना पड़ता था। संगड़ाहा में सिविल अथवा जुडिशियल कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने मंच से स्पष्ट किया कि इस बारे प्रदेश उच्च न्यायालय की मंजूरी लिए जाने संबंधी प्रक्रिया पहले ही राज्य सरकार शुरू कर चुकी है और जल्द नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाहा में न्यायिक अदालत शुरू होगी। भाजपा नेता बलबीर चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन सभी मांगों को पूरा किया है जिन्हें उन्होंने मंच से सीएम के समक्ष उठाया था। उन्होंने कहा कि शनिवार के बाद रविवार प्रातः भी सीएम द्वारा क्षेत्र की 2 और नए परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की गई है और इन सभी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। भाजपा नेता प्रताप तोमर, सुनील शर्मा, रूप सिंह, नारायण सिंह, विजेंद्र शर्मा, बलबीर सिंह, मनोज ठाकुर व प्रताप सिंह आदि ने भी क्षेत्र को 162 करोड़ की सौगात सौंपने तथा विद्युत मंडल कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय व 2 आईटीआई सहित दर्जन भर से अधिक अन्य नए शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल तथा बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने भी इलाके में 162 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास तथा विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थान खोलने की अनाउंसमेंट के लिए सीएम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन में जितने उद्घाटन, शिलान्यास व घोषणाएं की गई है, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा 5 साल में भी इलाके में इतने विकास कार्य नहीं किए जा सके। हम भारतीय जनता पार्टी रेणुका मंडल के समस्त कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रेणुका चुनाव क्षेत्र में आकर इस बार रेणुका मेले में और नौराधार में जो रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं की है वो एक ऐतिहासिक घोषणाएं हैं। आज तक किसी भी सरकार ने और किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घोषणाएं रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में नहीं की। हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है कि आज तक उनके भी रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कभी भी 1-2 स्कीम के अलावा जो है कोई भी घोषणाएं नहीं करवा सके। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी और ऊर्जा मंत्री माननीय श्री सुखराम चौधरी जी, श्री बलदेव तोमर जी, श्री सप्लाई के वाइस चेयरमैन श्री बलदेव भंडारी जी, श्रीमती रीना कश्यप जी और सभी के जो है सभी नेताओं के हम बहुत बहुत आभारी है। रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में नौराधार में डिग्री कॉलेज, संगड़ा में इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन और ददाहू में बीडीओ ऑफिस, सैन धार में और धारटी में दोनों जगह आईटीआई, हरिपुर धार में इलेक्ट्रिसिटी विभाग का सब डिवीजन, बोग धार में पीएससी को अपग्रेड करके सीएससी, बरहाड़ी में पीएससी, नैर सवार में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बार्थल मदाना में सीनियर सेकेंडरी स्कूल और पंडियाली में और पंडियाली में और 70 बादों में हाई स्कूल और 3 मिडिल स्कूल, चिया मिमियाना, डेबरघाट और संगड़ा ये और एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी
कांडो बाइला में और गाताधार में आईपीएच का सेक्शन कार्यालय। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बोगधार आईटीआई के 3 ट्रेड जो है स्वीकृत किया है, जिसमें कोपा, सेविंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिशियन। हम इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और सभी नेताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में 162 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए। साथ ही नौराधार में कॉलेज दिया गया, सगड़ा में विद्युत विभाग का डिवीजन दिया गया, दधाऊ में ब्लॉक दिया गया। गत दिवस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर जयराम जी का सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र का दौरा हुआ और इस दौरे के दौरान उन्होंने नौराधार और अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला रेणुका जी में जो है अनेक घोषणाएं की, जिसमें नौराधार में डिग्री कॉलेज खोला गया और हरिपुर धार में विद्युत सब स्टेशन और साथ में संगढ़ा में जो है विद्युत का मंडल और बोगधार में आईटीआई में 3-3 और ट्रेड घोषित किए गए और साथ में चाड़ना के लिए 33 KV सब स्टेशन और साथ में जो है अरट के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र और संगढ़ा के लिए जो है विद्युत का मंडल और ददाऊ के लिए उन्होंने जो है वीडियो कार्यालय खोलने की घोषणाएं की और सैंडधार और धाटीधार में जो है आईटीआई खोलने की घोषणाएं की।